अस्सलामुअलैकुम, रीना से किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज्ज़ा। ये हेल्दी पिज्ज़ा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आप बोलेंगे पिज्ज़ा बना रही हूँ और ये चना दिख रहा है, तो ना हम ब्रेड से बनाएंगे, ना मैदे से बनाएंगे, ना कोई आटे से बनाएंगे। तो आज हम पिज्ज़ा बनाएंगे, ये चने की दाल से बनाएंगे। तो मैंने इसे रात में भिगो कर रखा था, अब मैंने इसका पूरा पानी निकाल दिया है। ये एक कप चना दाल है। इसके साथ ही हमें इसमें डालना है सूजी डालनी है, ये हाफ कप सूजी है। दो हरी मिर्च डालनी है, ये तीन चार पांच लहसुन है, लहसुन की कलियां वो डालनी है। एक इंच अदरक का टुकड़ा है, उसे मैंने चॉप किया है, वो डालेंगे। 1 टीस्पून जीरा है, साबुत जीरा, वो डालेंगे। और नमक, और हमें लेना है ये पानी। एक ग्लास मैंने पानी लिया, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे पूरा हम पीस लेंगे। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए, ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए हमें, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए। इसके साथ ही हमें पिज्ज़ा में डालना है। यहाँ पे मैंने ये शिमला मिर्च ली है, इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। टमाटर लिया है, प्याज ली है, ये गाजर ले लिया है, नमक, ये पिज्ज़ा सीजनिंग है, ऑरेगानो, जो भी आपको लेना हो ले सकते हो। यहाँ पे काली मिर्च पाउडर ली है, वो चिली फ्लेक्स ली है। सब्जियाँ आपको जो भी चाहिए वो आप सब्जियाँ इसमें ले सकते हो। जो बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते, इसमें डालेंगे तो पिज्ज़ा तो सबको पसंद रहता है, और जो सब्जियाँ आप इसमें बच्चे नहीं खाते वो डालेंगे तो बच्चे बराबर से खा लेंगे। आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हो। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं, पिज़्ज़ा बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने पैन रखा हुआ है, गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा स्लो ही रखा है। अब क्या करेंगे, हम इस पर ऑयल डालेंगे। घी बटर आपको जो भी डालना हो आप डाल सकते हो। इसे पूरा हम अच्छे से फैला लेंगे और इस पर हम एक एक चम्मच ये बैटर डालेंगे। बड़ा छोटा आपको जैसा डालना होगा वो आप डाल सकते हो। बच्चे क्या ये बड़े लोग भी खाएंगे, इतना टेस्टी बनता है। अब इसमें हम सब्जियां डालेंगे। आप नाश्ते में भी बना सकते हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ टिफिन में भी लगेगा, नाश्ते में भी आप इसे कर सकते हो, खा सकते हो बनाकर। अब इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा थोड़ा नमक हमें इस पर स्प्रिंकल करना है, ये देख सकते हो आप। अब हम क्या करेंगे, इसे हम पलट लेंगे, थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे फिर पलट लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे पलट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा ऑयल डालेंगे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसे पलट लेंगे, आराम से पलट लेना। देखिए, मैंने इसे पलट लिया है, अच्छे से थोड़ा हम सेक लेंगे फिर इसे पलट लेंगे। अब ये देखो, मैंने अच्छे से सिका हुआ है, साइड से पलट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा, आप इस पर पिज्ज़ा सॉस भी लगा सकते हो, शेजवान सॉस भी लगा सकते हो, या मेयोनीज, केचप, जो भी आपको लगाना हो इस पर लगा सकते हो। हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा मेयोनीज लगा लेंगे। देखिए, मैंने मेयोनीज लगा दिया है। अब हम इस पे चीज़ डालेंगे। चीज़ ऑप्शनल है, आप बोलोगे कि हेल्दी बना रही है और चीज़ मेयोनीज लगा रही है, ऑप्शनल है। आप ऐसे भी बिना कुछ लगाकर ऐसे भी पलट के इसे खा सकते हो, पर मैं कैसे बच्चों के लिए बना रही हूँ, और थोड़ा कैसा बच्चे चीज़ डालेंगे तो खा लेते हैं। और थोड़े ऊपर से हम दोबारा से सब्जियां डालेंगे। चीज आपको कोई भी ले सकते हो आप। देखिए, मैंने सब्जियां डाल दी हैं। अब हम इस पे थोड़ा काली मिर्च पाउडर डालेंगे, ऑरेगानो डालेंगे और चिली फ्लेक्स डालेंगे।
चिली फ्लेक्स थोड़ा ही डालना। अगर बड़ों को देना होगा तो आप आपके इससे डाल देना, बच्चों को देना होगा तो थोड़ा ही डालना। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा ढक करके 5 मिनट रख देंगे। ये देखिए, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसे मैंने निकाल लिया है। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखिए, मैंने और बनाए हैं। ये मैंने 2 बड़े बनाए हैं, ये छोटा वाला बनाया है। मैं अब आपको इसे टेस्ट करती हूँ। देखिए, बहुत टेस्टी बनाए, बहुत अच्छा बनाए। कोई बोलेगा ही नहीं है खाने के बाद कि ये हमने चने की दाल से बनाया हुआ है। मैं और एक टेस्ट करती हूँ। बहुत अच्छा बना है। आप जरूर इसे बना कर देख लेना। अगर टिफिन में देना हो तो, अगर आपको चाहिए तो आप चीज मत डालना, ऐसे ही बनाकर आप इस बच्चों को टिफिन में दे सकते हो। आप इसे छुट्टी के दिन नाश्ते में खा सकते हो, जब चाहे आप इसे बनाकर खा सकते हो। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।